हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चर 4 बेस्ड ऑन योर फर्स्ट यूनिट फॉर द सब्जेक्ट सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द सेंसर्स। ओके, सो आई हैव मेंशन हियर टर्म्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेंसर। दीज टू थिंग्स आर सेम बिकॉज वेन एवर यू टॉक अबाउट द सिलेक्शन कि कौन सा सेंसर हमें चूज करना है, then you should have to knowledge about the what are the characteristic of the for particular sensors. Okay, so in exam agar aapke paas question aata hai, write down the selection of the sensors, so these two things are same. Okay, so is lecture mein hum discuss karenge ki what are the parameters for the selection of the sensors, or you can say what are the characteristic of the sensors. So in next slide it is mentioned there are some characteristics, there are many characteristics but I have taken some important characteristics जो हम अपने use करते हैं जब भी हम selection जब भी हम कोई sensor choose करना चाहते हैं। okay? depth में जाएँ तो बहुत सारी characteristic होती है but these are the main characteristics. okay? so first one is the accuracy, precision, रेंज, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल एंड लीनियरिटी। ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दी ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो एज द नेम सजेस्ट एक्यूरेसी। ओके, जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो लेट्स सी, सपोज आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं। सो मेज़रमेंट करने के बाद क्या होता है, जैसे आपने मेजर्ड वैल्यू की, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो उसकी एक्यूरेसी क्या है, या वो जो आपको आउटपुट दे रहा है वो किस लिमिट तक, किस परसेंटेज तक सही है। ओके, सो इफ यू रिमेंबर इन बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब्स, ओके, जब हम कैलकुलेट करते हैं सो आपने देखा होगा प्लस माइनस कुछ एरर लिखा रहता है। ओके, सो दैट इज़ अ डिफरेंट, दिस इज़ द प्रिसीजन की। अब एक्यूरेसी की बात करें तो सपोज मैंने मेजरमेंट लिया एज आई टोल्ड यू बिफोर, उस मेजरमेंट के बाद जो आउटपुट आ रहा है, सो अगर आप देखें तो आपके पास एक प्रैक्टिकल आउटपुट मिल रहा है। ओके, जो आप मेज़र कर रहे हो, एक आपके पास क्या है, थ्योरेटिकल आउटपुट। ओके, so in instrumentation we talk about the whatever is theoretical is true value, और जो आपकी practical value आ रही है, means जो measure करने के बाद value आ रही है, okay, so उसे बोलते हैं measured value. so अगर हमें error calculate करनी है, so the formula of error is your true value जो आपकी theoretical value है minus योर मेजर्ड वैल्यू जो आपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है, डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 100 इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट इन परसेंटेज। ओके, सो हियर यू कैन सी इट इज़ द क्लोजनेस विथ विच द मेजर्ड वैल्यू अप्रोचेस टू द ट्रू वैल्यू, कि जो आप मेजर कर रहे हो वो ट्रू वैल्यू से कितना नियर बाई है, उसके कितना क्लोज है, दैट विल गिव यू द एक्यूरेसी। एरर, हाँ, दैट विल गिव यू द एक्यूरेसी एंड एरर कैलकुलेट कर ली। अब अगर हमें एक्यूरेसी करना है तो उस एरर को वन में से माइनस कर दें। सो हियर इज द फॉर्मूला फॉर एक्यूरेसी, वन माइनस एरर, जो एरर आपने कैलकुलेट किया। ओके, सपोज यू आर कैलकुलेटिंग फॉर परसेंटेज, देन इट विल बी 100 माइनस जो भी वैल्यू आ रही है। अगर आप परसेंटेज में से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू माइनस from the one, where xt is true value and xm is the your measured value. Okay, so here I have taken some example from the book AK Saini. Okay, वहाँ पर आपको same example मिल जाएंगे for understanding. So in first example it is mentioned a meter reads 127.50 volt. Okay, सो दैट मीटर्स, क्या मीटर जो है वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, मीन्स मेजर कर रहा है। सो दिस इज योर मेजर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज
दिस वन, ओके। जो भी मैन्युफैक्चरर से आया है वो बोल रहा है कि इसकी ट्रू वैल्यू ये है, बट जब आपने मेजर किया तो वैल्यू हमारे पास ई ए आई। सो डिटरमाइन ए द स्टैटिक एरर, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि स्टैटिक एरर क्या है, ओके, सो जस्ट क्या है, यह माइनस दीज टू वैल्यूज जो आपने यहाँ मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू है वो आप यहाँ पे माइनस कर दो, सो दैट विल बी गिव यू अ एरर कि भाई एक्चुअली मैं इतना मेजर करना चाहिए था बट जब हमने मेजर किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ओके। सो दोनों को हमने माइनस कर दिया, दैट विल गिव द स्टैटिक एरर और एरर। इन नेक्स्ट पॉइंट इट इज आस्किंग अबाउट द स्टैटिक करेक्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, कि क्या करेक्शन होना चाहिए ताकि जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही है, मेजर वैल्यू आ रही है, वो ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाए। सो ऑब्वियसली क्या है, अगर हमारे पास 0.07 की एरर आ रही है तो इसका जो नेगेटिव होगा दैट विल बी वी हैव रिक्वायर्ड टू करेक्ट इट। सो योर स्टैटिक करेक्शन इज माइनस टाइम्स ऑफ वट एवर यू हैव कैलकुलेट स्टैटिक एरर, ओके, सिंपल। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ थर्मोमीटर रीड्स 95.45, ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, मीन्स मेजर कर रहा है, ओके। सो मेजर वैल्यू इज गिवन एंड द स्टैटिक करेक्शन इज गिवन इन द कर्व, ओके। नाउ इट इज गिवन द स्टैटिक करेक्शन मीन्स वट एवर यू हैव कैलकुलेटेड हियर इन बी पार्ट, नाउ इट इज गिवन, ओके। सो ये गिवन है, डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू, ओके। सो इफ यू सी दिस फॉर्मूला, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन सी नाउ दिस इज गिवन, ओके। ऑब्वियसली डेल्टा सी इज गिवन, डेल्टा सी इज गिवन and you have to calculate this value 80, okay. So what happened, delta c kya hota hai, that is equivalent to minus delta a, remember this. So from this formula you can see here the value of 80 is kya ho jayega, agar hum isko idhar le jaye to delta a okay सॉरी ए एम आगे अगर 80 इधर ले जाते हो तो ए एम माइनस डेल्टा है, ए एम माइनस डेल्टा है, ओके। नाउ डेल्टा सी इज गिवन, ओके। सो डेल्टा ए की वैल्यू अगर देखेंगे तो माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला डेल्टा सी, सो दैट विल बी योर प्लस डेल्टा सी। सो सेम फॉर्मूला हियर इज मेंशन, यू कैन सी हियर 80 इक्वल टू ए एम प्लस डेल्टा सी, ई एम इज गिवन, डेल्टा सी गिवन, सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द योर ट्रू वैल्यू, ओके। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड प्रिसीजन, ओके। So if we talk about the precision, precision is a, it is a degree of reproducibility of the measured value, okay. So for example, suppose you have an instrument, okay, and those instrument say you are measuring the temperature, okay. So एक कोई process है, कोई task हमारा, कोई फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहा है बार बार, ओके। सो आपने क्या किया, उस जो टास्क हो रहा है, उस टास्क का जो प्रोसेस हो रहा है उसका टेम्परेचर, जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर आपने आफ्टर 10 मिनट्स बाद आपने बार बार चेक किया, ओके। सो सपोज आपने 10 टाइम्स रीडिंग ली या 20 टाइम्स रीडिंग ली, ओके। सो इफ़ यू आर टेकिंग द रीडिंग फॉर 20 टाइम्स, आपने उसे 20 टाइम्स रीडिंग ली और आपने देखा कि यू आर गेटिंग
18 टाइम्स रीडिंग इज, फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम का टेम्परेचर ले देखना है आपको तो 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, और केवल टू टाइम्स आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, लेट्स सी इट्स 45 और 49, ओके। नाउ अब आपने दूसरा कोई लिया, अब आपने उसमें मेज़र किया, आपको क्या मिला, 10 टाइम्स ही केवल जो है वो 40 डिग्री मिल रही हैं, बाकी टाइम्स सारी डिफरेंट, ओके। सो आपके लिए बेटर कौन हुआ, दिस वन, ओके। क्यों, जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी आपकी है उसमें 18 है, ओके, कि 18 टाइम्स यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है, ओके। सो 18 टाइम्स यू आर गेटिंग मेजर्ड वैल्यू 40, सो वी विल प्रेफर दिस वन रादर देन दिस वन, ओके। सो इट इज नथिंग बट रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिमेंबर दिस टर्म, कि कितने बार आप जब मेजर कर रहे हो तो कितनी टाइम्स आपको सेम वैल्यू मिल रही है जो आपने मेजर्ड की है, ओके। सो द फॉर्मूला इज मेजर्ड वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू जो आप रीडिंग ले रहे हो, ओके। सो हियर आइज मीन वेयर एक्स इज द एवरेज ऑफ ऑल रीडिंग, जितनी भी आपने रीडिंग ली उसका एवरेज। सो हियर इज वन एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट करेंट मेजरमेंट वर रिकॉर्डेड, दीज आर द वैल्यू 10.03, 10.10, 10.11 एंड 10.08, ओके, करेंट की वैल्यूज है जो रिकॉर्डेड हुई हैं। कैलकुलेट द एवरेज करंट फर्स्ट वन एंड द रेंज ऑफ एरर। सो एवरेज सभी को पता है, सो सेम एवरेज फॉर्मूला वी हैव अप्लाई हियर, फोर आपकी करंट्स वैल्यू है, सो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डिवाइडेड बाय 4, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट दिस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ओके। नाउ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ द एरर, कि जो एरर है वो उसकी रेंज क्या है, सो फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, और एक बार जो मिनिमम वैल्यू है, दोनों से हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए आपको एवरेज वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। सो इन दिस वैल्यूज, जो आपकी वैल्यूज है, यू कैन सी हियर द मैक्सिमम वैल्यू करंट इज 10.11, इन सब में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 10.11, ओके। सो इन अदर वे यू कैन से इट कि जो आपकी एवरेज वैल्यू आ रही है उस एवरेज वैल्यू से, ठीक है, ज़्यादा कौन है और कम कौन है, ठीक है। सो यू कैन से हियर द रेंज मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, आई मैक्स माइनस आई एवरेज, दैट इज इज योर 0.03। सेम मिनिमम के लिए क्या दे रहेंगे, ऑब्वियसली एवरेज वैल्यू ज़्यादा होगी, सो आई एवरेज माइनस आई मिनिमम यू विल गेट दिस वैल्यू। सो द रेंज ऑफ द एरर क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ टू जो भी आपने कैलकुलेट किया है, रेंज ऑफ द मैक्सिमम, रेंज ऑफ द योर मिनिमम, इन दोनों का एवरेज, ओके। सो प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, ओके। नाउ दैट विल बी प्लस माइनस, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि प्लस माइनस लगा रखता है। सो प्लस माइनस क्या होता है, एक शो करता है कि मे बी पॉसिबिलिटी है जब आप मेजर कर रहे हो तो वो वैल्यू इतना प्लस में आएगी या उससे इतना वैल्यू माइनस में आएगी, बट इससे ज़्यादा नहीं होगी, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रू वैल्यू है जो आपको मिलनी चाहिए थी, सो अगर हम बोले कि रे इसकी एरर क्या है, तो 2 प्लस माइनस दिस 0.04, सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से या तो ये 2.04 होगा या आपका 1.96 के आसपास होगा, ओके। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। द नेक्स्ट वन इज़ द रिजोल्यूशन, सो द रिजोल्यूशन इज स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट that would produce a detectable change in the output, okay।
So, for example, suppose you have one scale over here. इस स्केल में हमारे पास 100 डिवीज़न है, लाइक हेयर 1, 2, 3, 4 इस वे में हमारे पास 100 डिवीज़न है. ओके, सो स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट. अब अगर सपोज आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज आपने एक सिस्टम डिज़ाइन किया जिसमें टेम्परेचर के वैल्यू हमें देखनी है. सो टेम्परेचर स्टार्ट होना राइज हुआ, ठीक है, ज़ीरो से. अब मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो 10 डिग्री सेल्सियस तक जो भी है आपका आउटपुट चेंज ही ना हो. मतलब ज़ीरो से 10 जाने पे आउटपुट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बट जैसे ही 10 से 11 हुआ आपका वेरिएशन आउटपुट पे आने लगा. सो दैट विल बी द स्मॉलेस्ट चेंज, 0 to 10. ओके, वो हमारा क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी द एग्जांपल. अ मूविंग क्वाइल वोल्टमीटर हैज अ यूनिफॉर्म स्केल विथ 100 डिवीजन. आपके पास डिवीजन कितने हैं, 100. आपके पास कोई स्केल है, ओके, उसमें आपके डिवीजन क्या है, ऐसे 100, 1, 2, 3 ऐसे करके यहाँ पे 0 to 100 डिवीज़न है आपके पास, ठीक है. द फुल स्केल रीडिंग इज 200 वोल्ट. ओके, मीन्स अगर हम यहाँ से और यहाँ तक मूव कर रहे हैं तो हम इससे 200 वोल्ट रीड कर सकते हैं इस वोल्ट मीटर से. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, क्या है, एक डिवीज़न आपके क्या है, ये काउंट कितना है, 1, 2, 3 ऐसे 100 है, और हम ओवरऑल कितना मेज़र करते हैं, 200. सो अगर हम एक डिवीज़न से बात करेंगे कितना, एक डिवीज़न में अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वेरिएशन कितना हो रहा है, तो डैट विल बी दिस वन, क्योंकि 200 हम रीड कर सकते हैं और हमारे पास डिवीज़न कितने हैं, 100. सो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो गई, 2 वोल्ट. मीन्स अगर हम यहाँ से मूव होके यहाँ पे जा रहे हैं तो जो चेंज कितने का आएगा, 2 वोल्ट का. ओके, नाउ इन क्वेश्चन मेंशन 1/10 ऑफ स्केल डिवीजन कैन बी एस्टिमेटेड विद अ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, कि उस एक जो डिवीजन है उसमें भी हम अगर इसके 10 ऐसे ऐसे कर दें, 1, 2, 3, 4, तो हम उनको ईजिली जो है हम एस्टिमेट कर सकते हैं. मींस अब जो 2 वोल्ट आ रहा था उसको भी क्या कर दिया, 1/10 कर दिया, सो दैट विल बी योर 0.02. सो मिनिमम ये 0.02 वी कैन इजीली एस्टिमेट दिस. ओके, सो मतलब क्या हुआ कि मिनिमम चेंज इज एट द इनपुट, 0.2 तक अगर है तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं. सो दैट इज योर रिजोल्यूशन, 0.02. ओके, अनदर एग्जाम्पल इज मेंशन हियर. अ डिजिटल वोल्ट मीटर हैज अ योर रीड आउट द रेंज 0 to 9999 काउंट्स. ओके, सो एक हमारे पास वोल्ट मीटर है उसमें जो काउंट है वो 0 to approximately 10,000. डिटरमाइन द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन वोल्ट व्हेन द फुल स्केल रीडिंग इज सेम. इसके हिसाब से देखें कि यहाँ से अब काउंट कितना हो गया, 0 to 9999. ओके, और स्केल कितना है, दिस वन. सो अगर आपको रिजोल्यूशन निकालना है तो क्या हो गया, जो स्केल है वो डिवाइडेड बाय वन काउंट, जो टोटल काउंट है तो एक डिवीजन का आ जाएगा. सो दैट विल बी हियर, यू कैन सी हियर, जो भी हमारा स्केल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ काउंट्स, दैट विल बी गिव ए रिजोल्यूशन. सो रिजोल्यूशन योर 1 mV. मिनिमम चेंज एट द इनपुट साइड, ताकि हम आउटपुट जो है वो डिटेक्ट हो जाए हमारा. नाउ नेक्स्ट वन इज द सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज इन आउटपुट टू इंक्रीमेंटल चेंज इन द इनपुट. ओके,
सो वो स्मॉलेस्ट चेंज जो हम इनपुट पे करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट पे मिल जाता है, उन दोनों का रेशियो क्या होता है आपका, इट इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी. इजी है. वेयर डेल्टा वाई इज़ अ चेंज एट द आउटपुट एंड डेल्टा एक्स चेंज इन द इनपुट. ओके, सो आई थिंक इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. आपने इनपुट पे जो चेंज किया उसके अकॉर्डिंग आउटपुट पे कितना चेंज आया, दोनों का रेशियो. ओके, रेंज आप सभी को पता है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू. ओके, सपोज आप कोई टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, सो मैक्सिमम वैल्यू यू आर गेटिंग 49 डिग्री एंड मिनिमम गिव गेटिंग योर 35 डिग्री सेल्सियस. सो 49 माइनस 35, दैट विल गिव द रेंज. मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड. ओके, इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ मेजरेंड. मेजरमेंट, मेजरेंड मीन्स जो हमें मेजर करना है, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, विच कैन बी डिटेक्ट बाय द इंस्ट्रूमेंट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल. ओके, फर्दर मूविंग लीनियरिटी. ओके, सो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द लीनियरिटी. मीन्स सपोज ऑन एक्स एक्सिस इनपुट एंड ऑन वाई एक्सिस इज योर आउटपुट. ओके, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थ्रेशोल्ड राइट नाउ. ओके, जो भी थ्रेशोल्ड, वैसे मैं आपको बता देता हूँ थ्रेशोल्ड क्या होता है. कि सपोज आपने, सभी ने डिजिटल पढ़ा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इफ़ यू रिमेम्बर कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है सिलिकन से बना हुआ, तो वो क्या करता है, 0.7 तक आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं करता है. ओके, चैनल एस्टिमेट ही नहीं होता है. 0.7 के बाद वो चैनल आपका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो करंट फ्लो स्टार्ट होता है. सो 0 to 0.7 तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है. ओके, सो थ्रेशोल्ड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस सेंसर, कि एक पर्टिकुलर जब आप स्टार्ट कर रहे हो, सो किस वैल्यू तक आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो जो आपका सेंसर है वो ऑन ही नहीं हो रहा है, या वो कोई आउटपुट नहीं दे रहा है. सो दैट इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड. सो लीनियरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीनियरिटी, इट इज़ द प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. कि आपके पास इनपुट है और आउटपुट है. ओके, सो जैसे जैसे आप इनपुट चेंज कर रहे हो, आपका आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है. सो बिहेवियर ऑफ द आउटपुट. ओके, सो अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसे मिल रहा है मीन्स लीनियर है, अगर कुछ ऐसे मिल रहा है मीन्स ये नॉन लीनियर जा रहा है. ओके, कि अप एंड डाउन दोनों आ जा रहे हैं. सो दिस इज लीनियरिटी. ओके, सो इन इफ वी टॉक अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक इन सेंसर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. ओके, फर्स्ट वन इज द स्टैटिक एंड सेकेंड वन इज द डायनेमिक. ओके, अभी तक हमने जो भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है वो सारी क्या थी, स्टैटिक. सो इफ वी टॉक अबाउट द स्टैटिक मीन्स जो आपका जो मेजर कर रहे हैं हम. ओके, जो को मेजर क्वांटिटी है, ठीक है, वो अगर टाइम के साथ वैरी ना करे, या बिल्कुल स्लोली, बहुत स्लोली वैरी करे, एज ए वी कैन कंसीडर एज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू. ओके, जो टाइम के साथ चेंज ना हो, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक. इफ़ दे आर वेरिंग विथ योर टाइम. ओके, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो टाइम के साथ वेरी कर रही हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाती है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक. सो इफ आई टॉक अबाउट द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, सो देयर इज डायनेमिक एरर एंड स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स. सो डायनेमिक एरर मीन्स अगर आपने कोई सिस्टम से रीडिंग लेना स्टार्ट किया, या कोई वैल्यू का फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना स्टार्ट की. ओके, सो डायनेमिक एरर की प्रोसेस के साथ जैसे क्या हो रहा है, वो टाइम के साथ जो एरर है वो चेंज हो रही है आपकी. ओके, सो जैसे जैसे टाइम मूव होता रह जा रहा है, जो फ्लक्चुएशन आपकी एरर हो रही है, वो अगर फ्लक्चुएट कर रही है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर डायनेमिक एरर. स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स, ऑब्वियसली आपका कोई सिस्टम है. ओके, उस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है, कि कैसे, जैसे आप इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट के
बेसिस पे आपको आउटपुट आपका कैसे वेरी कर रहा है। ओके सो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है, स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स, जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है, जो भी सेंसर है या जो भी ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द स्पीड, स्पीड इन टर्म्स ऑफ गिविंग द योर आउटपुट, ठीक है, सो दीज आर द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो मे मो जो भी हम चूज करते हैं, जब भी हम सिलेक्शन करते हैं, सो मेनली वे फोकस ऑन स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेक्शन ऑफ द सेंसर, और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।